विधायक कृष्ण मीणा द्वारा पत्रकार को धक्के मारने, बेइज्जत करने और फिर 2 करोड़ रुपए की मानहानि लगाने का नोटिस का मामला आया सामने। पत्रकार के समर्थन में आई खाप किसान सामाजिक संगठन, युवा संगठन व अन्य संगठन। आज जिन जिले में होगा बड़ा प्रदर्शन, DC को सौंपा गया ज्ञापन। विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और पत्रकार को न्याय देने की गई मांग। महामुहिम के नाम सौंपा गया ज्ञापन। हरियाणा सरकार को विधायक के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की गई मांग। नगर निकाय के नतीजों वाले दिन इंटरव्यू करने के दौरान विधायक कृष्ण मीणा ने पत्रकार के साथ की थी सरेआम बदतमीजी। खुद के बूथ से मिली हार से बौखलाए थे। जांच होनी चाहिए, कोई अधिकार नहीं किसी को किसी के कपड़े फाड़ के देने का। और जो बात आप कर रहे हैं जय हिंद जी के बारे में, मैं ये कहूँगा नवीन जी, मुझे नहीं मालूम उससे बड़े हैं या छोटे, लेकिन मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ। ब्राह्मण है और हमें तो ये सिखाया गया, ब्राह्मणों द्वारा ये सिखाया गया या हमारे परिवार के अपने संस्कार ऐसे हैं, ये सिखाया गया कि ब्राह्मण को ब्रह्म का रूप माना गया है। और मेरे को ये लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो मैंने शास्त्रों में पढ़ा है या फिलोसफरों को सुना है कि व्यक्ति कोई अंदर से खोखला होता है या अकेलापन होता है, उसमें वही इस तरह की टिप्पणियाँ या भद्र टिप्पणियाँ करने का काम करेगा या सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए वो इस प्रकार से बोलेगा कि उन्होंने जो शब्द गए, मुझे नहीं लगता एक ब्राह्मण को ऐसे शब्द इस्तेमाल करने चाहिए। दो आने का आदमी 2 करोड़ रुपए क्या मांगे है रे? दो आने का आदमी भाई, तेरा बाबू था, तेरे बाबू के नाम की तू खा रहा, तेरा बाबू अच्छा आदमी था, वो ये जींद है जो तेरे बाबू ने अच्छा बतावा है, वो ये जींद है तेरे बाबू तन्ना घटिया बतावा है, बता। अरे बोला 2 करोड़ रुपए लूंगा, क्या 2 करोड़ रुपए लिया? दो आने का आदमी 2 करोड़ रुपए लायक नहीं है।